बच्चों, आज हम कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के 11वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। पार्वती ने तपस्या के अंगभूत कुशों को स्वयं लाना तथा अक्षमाला को धारण करना भी स्वीकार कर लिया, इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्लोक देखिए, विसृष्ट रागात अधरात निवर्तित है, स्तन अंग राग है, अरुणितात च कंदुकात कुश अंकुर है, आदान परीक्षता अंगुली कृत अक्ष सूत्र प्रणयी तया कर है। विसृष्टि रागात अर्थात जिसे रंगा नहीं था, अधरात अर्थात होठ से, निवर्तित हटाया गया, इस्तना अंग रागात अरुणाच्य अर्थात स्तन के अंग राग से लाल किए गए, कंदुकात अर्थात गेंद से, कुशांक कुश अंकुर आदान परीक्षता अंगुली कृत है अर्थात कुश के काटने से बिंध गई थी अंगुली जिसकी, अक्ष सूत्र प्रणयी अक्षमाला के जाप में तया उसके द्वारा करे हाथ को लगा दिया गया। अन्वय देखिए, तया विसृष्ट रागात उसने यानी पार्वती ने विसृष्ट रागात जिसे अब तक रगा नहीं था, मतलब राग अर्थात लाल करना उसने छोड़ दिया तो इसे अब तक रंगा नहीं था, ऐसे अधरात अर्थात होठ से हटा दिया, और जिसे उसने रंगा नहीं था तो अब उसने रंगना छोड़ दिया, और दूसरा क्या काम किया उसने, स्तनांग रागाद रुणितात स्तन के अंग राग से लाल किए गए कंचुकात गेंद से हटा दिया, तो जिस गेंद से वो खेलती थी उसको भी हटा दिया, और तपस्या से पहले जिन हाथों से अपने होठ रंगती थी और गेंद खेलती थी उन हाथों को उसने किसके लिए लगा दिया, कुशांग यानी तपस्या के समय उन्हीं हाथों को नियम के लिए कुश उखाड़ने और अक्षमाला को जपने में लगा दिया। तो कुशांग को आदान परीक्षित अंगुली जिसकी अंगुलियां समूल कुश के काटने में बिध गई थी, ऐसे हाथ को अक्ष सूत्र प्रणयी कृत अक्षमाला के जाप में लगा दिया। श्लोक देखिए, विसृष्ट रागाद अधरान निवर्तित है, जिन हाथों से वो सबसे पहले क्या करती थी कि होठों को रंगती थी, तो ऐसे तपस्या वह पार्वती तपस्या करने से पहले जिन हाथों से उसने होठ रंगती थी उससे उसने अधरों को उसने रंगा नहीं था। विसृष्ट रागात यानी अधरात अधर के जो राग है वो अधरों को लाल से निवर्तित है यानी हट गई थी, नहीं रंगा था, और स्तनांग रागा अरुणिदा ताच और स्तनों के अंग राग से लाल किए गए थे, ऐसे गेंद से वो खेलती थी। तो कुशांक रादान परीक्षतांगुली तपस्या के समय उसी हाथ को नियम के लिए कुश उखाड़ने तो कुश काटने से बिध गई थी इसकी उंगली, ऐसे हाथ में कृत अक्षसूत्र अर्थात अक्षमाला के जाप में उसने ऐसे हाथ को लगा दिया था। यहाँ पे पार्वती जिन हाथों का उपयोग पहले अधरोष्ट को रंजित करने यानी पहले अभी उसने उन हाथों से होठों को रंगा नहीं था, लेकिन पहले क्या करती थी वो अपने अधरोष्ट को रंजित करती थी तथा दूसरा काम क्या करती थी, गेंद को खेला करती थी, और अब जबकि वो तपस्या कर रही है तो वो अपने उन्हीं हाथों से दो कामों को कौन कौन से को करती है, एक कुशों के अग्रभाव को तोड़ती है और दूसरी रुद्राक्ष माला का जप करने में
उसने अपने हाथों को लगा दिया। विश्रष्ट रागात ये शब्द है वो लाक्षारस द्वारा जिसने रंगना छोड़ दिया है ऐसा अधरात का विशेषण है। तपस्या का व्रत लेने के पश्चात पार्वती ने अपने अधरोष्ठ अर्थात नीचे के होठ को रंगना छोड़ दिया था। और अक्ष सूत्रम है तो वह वस्तुतः पार्वती ने अधर रंगना तथा गेंद का खेलना इन दो कार्यों को त्याग कर उसके स्थान पर कुशों को लाना तथा रुद्राक्ष माला का जाप करना इन दो कार्यों को स्वीकार कर लिया था। यहाँ पे पर्याय अलंकार है क्योंकि उसने अपने सारे कार्यों को बदल लिया था। वंशस्थ व्रत है। संस्कृत व्याख्या देखिए, तया पार्वत्या विसृष्ट रागादात अर्थात परित्यक्त लाक्षारस रंजनात् अधरात् अधरोष्टात् स्तनांग रागा रुणितात् पयोधरांग रागा रक्तात् कंदुकात् च गेंदुकात् च निवर्तितः निवारितः धूरीकृतः करः हस्तः पाणी वा कुशांकुर आदान परीक्षित अंगुली दर्भांकुर ग्रहण व्रणित अंगुली अक्षसूत्र प्रणयी अक्षमाला सहचार कृत है अर्थात विहित है। तो पार्वती याभ्याम हस्ताभ्याम पूर्वम अद्रोष्टम रंजयति स्मह कंदुक क्रीड़ाम च करोति स्मह तपह समय तत्कार्यद्वयम् परित्यज्य त्वेव हस्तौ कुश ग्रहणे अक्षमाला जपे च व्यापारम आयास मास है।